दोस्तों, क्या आपका भी सुबह उठने का मन नहीं करता? क्या आपने भी ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी वीडियोस तो देखी लेकिन उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताएंगे, बहुत सारे फायदे बताएंगे जो आपको हो सकते हैं सुबह उठने से, क्योंकि जब तक आपको फायदे की बात ना पता लगे तब तक आप उस पर कार्य नहीं कर पाते। तो पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिकली एंड प्रैक्टिकली कौन सी चीज आपके काम की है और क्या हो सकता है आपके जीवन में, कितना बड़ा बदलाव आएगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट में जय हिंद लिखकर। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, फिर हम देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से यानी कि आयुर्वेद और न्यूरो साइंस के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, तो एक मुहूर्त हुआ 48 मिनट लंबा। सूर्योदय होने से पहले ठीक दो मुहूर्त होते हैं, जिसमें पहले वाले मुहूर्त को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो। तो अगर आज सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ है तो 48 प्लस 48 मिनट पहले यानी कि 5:24 मुहूर्त शुरू होगा और 48 मिनट यानी कि 6:12 तक चलेगा। ब्रह्म का मतलब होता है पावर ऑफ क्रिएशन। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है नए सृजन का समय, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो समय होता है जहां आपके पास्ट की या आपके मन की पकड़ सबसे कमजोर होती है। यहां आप अपने पास्ट से अलग होकर कुछ नया पैदा कर सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए हमें आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त और आयुर्वेद का कनेक्शन। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष यानी कि 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों दोष शरीर और नर्वस सिस्टम को विभिन्न तरह से चलाते हैं। अच्छे मन और शरीर के लिए ये तीनों दोष संतुलित होने चाहिए। ये तीनों दोषों और ऊर्जाओं में सबसे प्रमुख है वात। इसके दो कारण हैं। पहला है इंटरनल मूवमेंट्स। सांस लेने से लेकर पेट साफ होने तक, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हिचकी लेने तक, शरीर के आंतरिक संचालन यानी कि इंटरनल मूवमेंट्स के लिए ये वात जिम्मेदार होता है। शरीर के जोड़ों में लोच यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी वात जिम्मेदार होता है। वात इतना प्रमुख है, आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष के बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां होती हैं, पित्त दोष के बिगड़ने से 40 तरह की और वात दोष अकेले के बिगड़ने से 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा कारण है वात दोष का सबसे बड़ा असर मन पर होता है, क्योंकि वात वायु और आकाश का बना होता है, मन भी वायु और आकाश का बना होता है, इसलिए वात का प्रभाव मन पर सबसे अधिक होता है। अगर वात बिगड़ा हुआ है तो मन भी बेचैन रहता है, मूड जल्दी जल्दी बिगड़ता है, डर और बेचैनी आप महसूस करते हैं, दिशाहीनता महसूस होती है, लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत अकेला महसूस करते हैं। जब वात बैलेंस में होता है तो मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है, साथ में क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी बढ़ते हैं। लेकिन वात और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? वात रात 2 से लेकर सुबह 6 तक सबसे ज्यादा प्रबल रहता है और सुबह जल्दी उठने से, लेटे ना रहने से शरीर के आंतरिक और बाह्य मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिससे वात अपने आप संतुलित हो जाता है। इसलिए सुबह उठने पर जब वात सही तरह से संचालित होता है तो पेट अच्छे तरह से साफ होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, ध्यान करना, पढ़ना और याद रखना इस समय आसान हो जाता है, साथ में इमोशनल वेलबींग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों, आयुर्वेद के इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस भी साबित करती है। पीनियल ग्लैंड, हमारे दिमाग में पीनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन पैदा करता है। मेलाटोनिन का काम है मन को शांत करना। मेलाटोनिन रात में बढ़ना शुरू होता है और सूर्य के साथ एकदम से घट जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय मेलाटोनिन चरम पर होता है। डॉक्टर ज्यू डिस्पेंजा मेलाटोनिन को मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इस समय मेलाटोनिन के चरम पर होने से विचारों का वेग शांत होता है। आप मन की प्रोग्रामिंग के पार जाकर, पुराने इमोशंस और सीमाओं के पार जाकर सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान। प्राचीन शास्त्रों में जैसे अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय में वातावरण में स्थिरता होती है, मन सतर्क और अलर्ट होता है। ये समय ध्यान करने के साथ साथ पढ़ने और मनन करने के लिए भी आदर्श समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए?
रात में हल्का फुल्का भोजन कीजिए, इससे ब्रह्म मुहूर्त में उठने में आसानी होती है और शरीर में आलस नहीं होता है। इस समय शरीर की क्रियाओं से मुक्त होकर शांत बैठना चाहिए और सबसे पहले ये महसूस करना चाहिए कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं अपने पास्ट और सभी लिमिटेशन से मुक्त हूँ। ये समय ध्यान, एफर्मेशन और लक्ष्य के विजुअलाइजेशन के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। नोट करने वाली बात यह है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में प्लानिंग का काम नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद अगला मुहूर्त है समुद्रम। इस समय शरीर और मन का मूवमेंट बढ़ता है। ये समय सोचने और प्लानिंग करने के लिए उत्तम है। इस समय एक्सरसाइज करना भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद सूर्योदय होता है। उदय के बाद सूर्य का ऐसा एंगल होता है कि सूर्य की किरणें दिमाग के पीनियल ग्लैंड तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती हैं। यानी सूर्योदय के साथ पीनियल ग्लैंड अच्छी मात्रा में सेरोटोनिन बनाना शुरू करता है। सेरोटोनिन मूड एलिवेटर हार्मोन होता है, जो हमारे दिमाग और पूरे शरीर में अच्छे मूड के संदेश भेजता है, जिस कारण दिन भर पॉजिटिविटी बनी रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग ज्यादा अच्छा और संतुष्ट महसूस करते हैं। एक और सबसे जरूरी बात, ब्रह्म मुहूर्त सर्कैडियन रिदम को रीसेट करती है। स्ट्रेस और मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की साइकल्स बिगड़ जाती हैं, जिससे सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिसमें जागने से हमारी सर्कैडियन रिदम अपने आप रीसेट होती है, जिससे हमारी इंटरनल साइकिल, हार्मोन साइकिल सब सही पैटर्न में लौट आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। नेसेंट ऑक्सीजन खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है, इम्यून सिस्टम को ताकत देती है और हमारे खून के एसिड लेवल्स को संतुलित करती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाल की ही स्टडीज में ये पता चला है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनमें डायबिटीज और ओबेसिटी यानी कि मोटापे का खतरा कम होता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम रहता है, जिससे शरीर की बूढ़ा होने की प्रक्रिया यानी कि एजिंग प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। दोस्तों, क्रिएशन या फिर सृजन को कमल से भी दर्शाया जाता है, और क्योंकि कमल पैदा होता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ और संघर्ष में पैदा होने के बाद भी ये अछूता नया और साफ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी हमारे लिए यही संभव है। ब्रह्म मुहूर्त यही दर्शाता है कि प्रकाश तक जाने के लिए आपको अंधकार में जागना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो समझिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, स्लोली चेंज योर टाइमिंग, आराम से समय बदलिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आयुर्वेद और योग के अनुसार एकदम से सोने और जागने का समय बदलने से शरीर और मन पर हानिकारक असर पड़ता है। इसलिए हर रात आधा घंटा जल्दी सोएं और हर सुबह आधे घंटे जल्दी उठें। अगर इस बात को फॉलो करते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 4-5 दिनों में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।